किंग्स वन टून। आज्ञाकारी पति। राजा नंद का राज्य बहुत विशाल था। पूरा राज्य समुद्र से घिरा हुआ था। नंद इतना शक्तिशाली राजा था कि उसके आसपास के सारे राजा उसकी प्रजा की तरह रहते थे। उसका नाम दूर दूर तक फैला हुआ था। राजा नंद के महान दरबार में अनेक मंत्री थे, लेकिन उसे वररुचि बहुत प्रिय था। वह दर्शन और राजनीति की गहरी जानकारी रखता था, इसलिए राजा को उसके साथ रोजाना अलग अलग विषयों पर चर्चा करना बहुत अच्छा लगता था। राजा नंद का दरबार रोजाना ठीक समय पर लगता था। एक दिन वररुचि सही समय पर दरबार में नहीं आया। उसे आने में बहुत देर हो गई। दरअसल उसकी पत्नी बहुत बुरे स्वभाव की थी। वह अक्सर रो पीट कर किसी न किसी बात पर तमाशा बना देती थी। वररुचि ने अपनी पत्नी को मनाने की हर संभव कोशिश की, परंतु उसने कुछ भी सुनने से साफ इनकार कर दिया। वह किसी भी तरह पति का बात नहीं मान रही थी। आखिरकार वररुचि ने हार कर कहा, मेरी प्रिय, तुम चाहती क्या हो? तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा, बस अब शांत हो जाओ। वररुचि की पत्नी चाहती थी कि वह अपना सिर मुंडवाकर उसके पैर छुए। फिर वररुचि को मजबूरन गंजा होना पड़ा। इसके बाद वह अपनी पत्नी के पैरों पर गिर पड़ा। यह सब होने के बाद ही उसकी पत्नी के चेहरे पर मुस्कान आई। तत्पश्चात उसने अपनी पति को दरबार में जाने की इजाजत दी। इसीलिए उस दिन वररुचि दरबार में काफी देर से पहुंचे थे। उधर महल में रानी भी किसी मुसीबत से कम नहीं थी। उसने भी राजा नंद की जान आफत में डाल रखी थी। वह राजा से लड़ाई करने के बाद अपना मुंह फुलाकर बैठ गई थी। राजा नंद ने अपनी ओर से उसे मनाने की पूरी कोशिश की, परंतु वह नहीं मानी। उसने कोई भी गहने कपड़े लेने से साफ इनकार कर दिया था। जब राजा नंद ने कई बार उससे पूछा, तो वह एक कोने में बैठकर जोर जोर से रोने लगी। राजा ने हार मान ली। उसे दरबार में जाने के लिए देर हो रही थी। उसने अपनी रानी से पूछा कि वह असल में क्या चाहती है। तब रानी बोली, वादा करो कि मैं जो चाहूंगी तुम उसे पूरा करोगे। हाँ, मैं वादा करता हूँ, राजा नंद ने अपनी जान छिड़ाने के लिए यह कह दिया। रानी को कुछ भी देना उनके लिए मुश्किल नहीं था। रानी मुस्कुराते हुए गंभीर स्वर में बोली, मैं चाहती हूँ तुम मेरा घोड़ा बनो। मैं तुम्हारे मुंह में लगाम लगाऊंगी और तुम्हारे ऊपर बैठकर सवारी करूंगी। इस तरह तुम मुझे पूरे महल की सैर करवाओगे। रानी की बात सुनकर राजा का हालत खराब हो गया। इतने बड़े राज्य का सम्राट अपनी पत्नी के आगे घोड़ा बने और वह उस पर बैठकर सवारी करे, फिर भी उसने हामी भर दी। राजा के पास उसकी बात मनाने के सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। वह वादा भी कर चुका था। फिर राजा नंद ने समस्त दास दासियों और दरबारों को महल से बाहर जाने का आदेश दे दिया। उसके बाद रानी ने घोड़ा बने हुए राजा नंद की पीठ पर बैठकर बड़े मजे से सवारी की। तत्पश्चात रानी का गुस्सा खत्म हुआ और राजा दरबार में जाने के लिए तैयार हुआ। जब वह दरबार में पहुंचा, तो पता चला कि वररुचि भी देर से आया है। वह गंजा दिखाई दे रहा था। राजा ने पूछा, क्या हुआ मित्र? वररुचि बोला, महाराज मैं थोड़ी परेशानी में पड़ गया था। महाराज खिसियानी हंसी के साथ बोले, हाँ मित्र, मैं जानता हूँ कि हमारी पत्नियाँ हम पर राज करती है। वररुचि महाराज को देखकर मुस्कुराने लगा, क्योंकि महाराज ने उसका मुंडा हुआ सिर देखकर उसकी हालत का अंदाजा लगा लिया था। सभी दरबारी यह नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर राजा और मंत्री एक दूसरे को देखकर बार बार क्यों मुस्कुरा रहे हैं। उस दिन वे सब अपनी अपनी अटकलें ही लगाते रहे, परंतु सच बात कोई नहीं जान सका।